हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, सो रिफ्लेक्शन एटा बेलेक पार्ट और रिफ्रैक्शन एटा बेलेक पार्ट। सो फर्स्ट आमी पढ़िम रिफ्लेक्शन। ओके, सो रिफ्लेक्शन पढ़ार आगत आमी एटा बस्तु जानि लम आगते लाइटर कथा। आमी जने के क्लास नार्सारी केजि थाकिसिलु सानटु कि आकिसिलु सान सानटु आमी एनेकै आकि एनेकै किसिमत आस आस एनेकै दिसिलु न। सो ए आजबुरक आमी कम रे कि बुली कम रे एबु रे हय। तो एतिया बुझिबा जे लाइट बुर रे हिसाबे ट्रेवल करे कि हिसाबे आहे रे हिसाबे। जे कोनो लाइट एतु तुमार ट्यूब लाइट बुली भाबा तुमी मनार फर। ओके, सो ए ट्यूब लाइट तो केने कि केने के आइबो ट्यूब लाइट तो जनु पोहर होय जाय हय रुमटु पोहर बुर लगे रे हिसाबे आहे কি হিসাব রাখে রে এবো সারো পিনি রে আছে। সো এ রে বুর সুনবুর উলাই লাইটার এবো খদাই স্ট্রেট ট্রাভেল করে। কেনে কই ট্রাভেল করে স্ট্রেট সিধা সিধা এটো সিধা হইছে স্ট্রেট এটো কি স্ট্রেট সিধা আইছে এনেবা কার্ভ হোয়া নাই কার্ভ হইছে নেকি কার্ভ হোয়া নাই সিধা হইছে। ওকে, সো লাইট খদাই स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करी आम गोटे पोहर पड़ दिए सान हम जिको लाइटे हम। ओके, फर्स्ट इतना चुना रिफ्लेक्शन दूटा ल आसे। ओके, दूटा ल आम पढ़ीम फार्ष्ट पढ़ार ल कटा आम पढ़ीम हम तुम बुक तो लिखा आज सबा यू पार लगे क्या रिफ्लेक्शन की है इतना लाइट गम पाला जो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर। ओके, रिफ्लेक्शन की है चुना फार्ष्ट कॉ এখন মই এখন মিরর রাখিছো আয়না আমাৰ ঘৰত জেনে আয়না থাকে ন আমি স্টাইল কৰো একদম ঠিক আছে। সো আয়নাখনৰ বেক সাইডে পেইন্টিং কৰা থাকে এটা জেনে বেক সাইডে রেড কালৰ দি পেইন্ট কৰা আছে আয়নাখনৰ বেক সাইডে পেইন্ট কৰা থাকে। সো এখন আয়নাটো মই বেক সাইডে এবৰ পেইন্টিং কৰি দিলো হ'ব। এতিয়া এই আয়নাখনত এটা লাইট ৰে আহিব দিম কি আহিব দিম লাইট ৰে যে লাইটৰ ৰে আহিছে आईना खुंदा खाइछे न खुंदा खुआटोके आमी कम रिफ्लेक्ट कि बुली कम रिफ्लेक्ट खुंदा खाइछे रिफ्लेक्ट करिछे रिफ्लेक्ट करी बोले कि होबो ई खुंदाते गुसी जाबो नै कर एरोसिन तो देखाय दिबो नै खदाय एरोसिन देखि करबा देखाय दिबा एने कय आहिसिले एने कय गुसी गुसी। सो अहा रेडल इंसिडेंट रे आर जुंदा रे गुसी गुसी एला लागि कम रिफ्लेक्टेड रे। होय गत रिफ्लेक्टेड रे एतिया एटा क्वेश्चन आहिबो दे सोआ रिफ्लेक्टेड गुसी गुसे एक नियम नीति नियम नीति नामाने निकी एने गए क्यों गाना रूल आटे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन नम्बर वन पॉइंट टू ठीक है नम्बर वन पॉइंट इतने कि कब चुना रूल तो मते केने एक इंसिडेंट रेडल से आगे से आमते ये ते एंगल बनाए से कार्ड लोगों एंगल बनाए से जाना इधर लाइट इमेजिनरी लाइट इधर लामी थोड़ी लो इधर लामी नॉर्मल बोली को। सो नॉर्मल माने की है सबा एक तो रिजल्ट है आइना कौन मिरर तो एक तो आइना कौन एक और आइना बोली थोड़ी लो एक माने आइना कौन मैं खुश हुए थे एक चौक तो नॉर्मल आइना कौन और सीधा सीधी माने परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री तो आईना सीधा सीधी बहुत दूसरे आज डाल कौ नर्मेल आईना आईना सीधा सीधी आज बहुत पार्पेन्डिकुलर पार्पेन्डिकुलर नाम कि नर्मेल। ओके, नर्मेल डाल क्यों दिल निदिल हल इमेजिनरी दी इन्सिडेन्ट रेडाले कि एंगल बन सब लगे एंगल तो कार बना जाना नर्मेलर
एंगल तो कार लगत बनाबो नॉर्मलर लगत सोआ ए इंसिडेंट रेडले एंगल ता बनाइसे कार लगत नॉर्मलर लगत एटा एटु एंगल बुझि पैसा सो आमी साबो लइबो इंसिडेंट रेडले नॉर्मल लगत जोंतु एंगल बनाइसे ए एंगल तो नाम कम आमी एंगल ऑफ इंसिडेंस एटु कि बुली तो एंगल ऑफ मान दिबो कि लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हबो फंक्शन लाइक टू आसे कुंडा इते एंगल ऑफ इते एंगल तो वैल्यू असे ए एंगल तो मय करू सपोज 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस किमान करू मय 30 डिग्री सपोज धरिलेसु तबिस एही कुंडा खाय पले गुसी गुसी न गुसी तो रेजल रिफ्लेक्टेड ने ए रिफ्लेक्टेड एटा एंगल बने गुसी गुसी मय जे बोलू जीडी पिनि जाबो नवारिबो सब पिनि जाबो नवारे एटा ए रिफ्लेक्टेड रे लेओ एटा एंगल बनाय जाबो सो हे एंगल तो कारो बनाबो जाना आपको नॉर्मल लगने बनाबो इते किमान डिग्री एंगल बनाबो ए रिफ्लेक्टेड रेले नॉर्मल लगे किमान डिग्री एंगल बनाबो इंसिडेंट रेले नॉर्मल लगे जिमान डिग्री बनाइसि आमी धरि लिसु 30 डिग्री बनाइसिल सेम जुकरे एंगल बनाबो रिफ्लेक्टेड रेले कारो लगे नॉर्मल लगे 30 डिग्री बनाबो बुझि पैसा माने खदाय रिफ्लेक्टेड रेले केने कोइ जाय एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जिमान हबो ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो किमाने हबो एके जुखते जाबो इ बेलेक के बेसी एंगल डांगर एंगल बनाय जाबो नोआरे बा फोरो एंगल बनाय जाबो नोआरे हबो सो एटु आमी कम एंगल ऑफ इंसिडेंस आरो एटु कम आमी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो आमी एटु कम पालो फर्स्ट लॉ जे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एटु रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके नेक्स्ट आरो द लॉ सेकंड लॉ टू वेरी इजी सेकंड लॉ की होसवा ए आइना फॉर्म एना सरफेस बुली धरिसु ठीक असे एनेको भाबिले बोर्ड खोल एटा सरफेस आको बोर्ड खोल जुंतु वालत लागि असे ए वाल टू एटा सरफेस द बेलेक बेलेक सरफेस होइगो এটা আইনা কোন এটা সারফেস সো এই তিনডাল রে সো ইনসিডেন্ট রে নরমাল আর রিফ্লেক্টেড রে এই তিনডাল রে আইনা খনতে পড়িছে এটা সারফেসতে পড়িছে ন সো হেডলেস সেকেন্ড ল দা ইনসিডেন্ট রে দা নরমাল এন্ড দা রিফ্লেক্টেড রে অল লাইন দা সেম সারফেস অল লাইন দা সেম প্লেন এরকম হয় না যে ইনসিডেন্ট রেলে আইনা খনত পড়িছে नॉर्मल डाल को बात बोर्डर पड़ी से आगे अगर रिफ्लेक्टेड डाल वालों पड़ी से बेलेक बेलेक सरफेस तो पड़ा नहीं सो बेलेक ऐसा सेम सरफेस ने पड़ी से सेम सरफेस अते पड़ी से तो हेड लो इसे हमार सेकेंड लॉ ओके सो ए दूसरा लॉ तुम्हारे पास बुक और दिया से टेक्स्ट बुक और पढ़ी बा सो हेड लो इसे हमार रिफ्लेक्शन और बेसिक देखिए देखिए भाग्य साइलो बा हबो